हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और गाइस, तुम्हारे भाई ने जो है डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है, तो अब आपको डेली व्लॉग्स मिला करेंगे। सो वीडियो को जितनी ज़्यादा हो सके शेयर करें। और मैं अपने रोज़मर्रा के काम से मार्केट आया हुआ था, कुछ ऑर्डर्स थे उनको कम्प्लीट करने आया हुआ था। और अभी जो है मैं जा रहा हूँ घर, और रास्ते में एक जगह रुका हुआ हूँ, कचौड़ी पैक करवा रहा हूँ घर वालों के लिए, क्योंकि घर वालों को मतलब यहाँ की कचौड़ियाँ बहुत पसंद है। अगर आप ये बस अड्डा जो है अपना कश्मीरी गेट ISBT वाला रोड, अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा मजनू टीला से लेके बस अड्डे तक कचौड़ी की ना जो रेडी वगैरह साइकिल वगैरह पे बंदे लेके खड़े होते हैं, 20 रुपये प्लेट देते हैं, और उनकी कचौड़ियाँ बहुत अच्छी होती है। ऑलराइट, तो वही मैं पैक करवा रहा था घर वालों के लिए। सो पैक करवा के फटाफट से चलते हैं घर पे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। भाई जी, अब ध्यान देना यही। हाँ, मैं देख गया था एक बार, मैंने देखा कि अरे ये तो वही है दुकान, वहाँ से चेंज, वहाँ भी मैंने 3-4 बार देखा, अब मिले ही नहीं वहाँ। वहाँ धूप बहुत है, ये मेरा पुराना ठिया है, 500 प्लेट का सेल है, अभी तो मैं आया हूँ, धीरे धीरे बैठेगा। और आज के लिए तो थोड़ा सही हो, कहीं नमक ज्यादा है। आज मैं कहीं गया था, मैडम को बोला था सब्जी बनाने के लिए, अच्छा, और नमक थोड़ा ज्यादा कर दिया, और किसी दिन मौका देना। चलो, अरे बिल्कुल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सो गाइस, कचौड़ी जो है पैक हो चुकी है, और लाइक यहाँ पे जितने भी कचौड़ी वाले हैं ना, तो मैक्सिमम सबका कचौड़ी जो है मैं ट्राई कर चुका हूँ, घर पे भी सबको खिला चुका हूँ। तो ये जो बंदा था, इसकी कचौड़ियाँ मतलब अच्छी लगी, तो अब मैं परमानेंटली इसी बंदे से कचौड़ियाँ लेके जाता हूँ। तो ये जहाँ पहले लगाता था वहाँ से इसने दुकान हटा दी और अब दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया। तो काफ़ी मैंने देखा, 2-4 बार नहीं मिला था, सो अभी फाइनली मिल गया है। तो अभी मैं कचौड़ियाँ यहीं से लेके जाता हूँ, आपने भी शक्ल देख ली। अगर आपको कभी खानी हो तो ये जो मजनू टीला पे अपना स्कूल पड़ता है, गवर्नमेंट स्कूल, उसी के पास में ये बंदा लगाता है, शक्ल पहचान लेना। ऑलराइट, तो अब चलते हैं फटाफट से घर चलते हैं और देखते हैं घर पे क्या सीन है। सूखी पड़ी दिल की इस जमीन को भिगा दे, कब से मैं दर दर फिर रहा, मुसाफिर जता दे, सूखी पड़ी दिल की इस जमीन को भिगा दे। लेटर। लड्डू लड्डू ले जा, गेट खोल, गेट लड्डू। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है भाई, कैसी हालत बना रखी है लड्डू तूने। तो भाई इसको ना गाड़ी बहुत पसंद है, गाड़ी बाइक कुछ भी, इसे घूमने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और गाड़ी देखते ही ये जो है एक नंबर का खुश हो चुका है। लड्डू, मज़ा आ रहा है, तेज बोलो बाबू, तेज बोलो, तेज, मज़ा आ रहा है। कैमरा देख के थोड़ा ही शर्मा जाता है। सो अभी घर पहुंच चुका हूं मैं, गाड़ी को पार्क करते हैं। One hour later. So guys, खाना वगैरह हो चुका है, और अभी जो है मैं जा रहा हूँ एक छोटा सा नैप लेने आधे घंटे का, उसके बाद फिर अपन चलेंगे स्टूडियो, और वहाँ चल के फिर थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, रील्स वगैरह बनाएंगे। ऑलराइट, तो मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। 2 hours later. ये वाइपर जो है अपने आप ही चल रहा है, गाड़ी इतनी ज़्यादा ऑटोमेटिक हो गई है कि वाइपर अपने आप ही काम कर रहा है बिना कुछ करे। So,
गाइज एक डेढ़ घंटे सोने के बाद एनर्जी भी है जो एकदम डबल सी हो गई है और फुल पावर चलते हैं स्टूडियो। अभी जो है बाइक जो है हमारी कोर्ट में जमा है तो गाड़ी सही चलना पड़ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। सो गाड़ी की भी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मतलब जो हमारी एकेडमी है वहाँ से मेरे को ये बहुत पहले ही लाइक गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, संतनगर मेन मार्केट संतनगर के आसपास ही गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है और फिर वहाँ से पैदल जाना पड़ता है एकेडमी। सो गाड़ी इसलिए मेरा लाने का मन नहीं करता है, बट फिलहाल अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। सो चलते हैं फटाफट से एकेडमी और चलते हैं, फुल पावर एनर्जी है इस टाइम, प्रैक्टिस करेंगे, रील्स वगैरह बनाएंगे। भाई ये जो वाइपर है ना, मतलब यार अलग ही अपने आप ही काम कर रहा है, बारिश आने पानी के तो कोई पानी का कोई सीन ही नहीं है। अल्टो भी हमारी फुल ऑटोमेटिक हो चुकी है, अपने आप ही वाइपर काम कर रहे हैं और ये परेशान कर रहे हैं इतने ज्यादा चल रहे हैं, अगर इसकी ब्लेड ना खराब हो जाए। गाड़ी जब तक बंद नहीं होगी तब तक ये वाइपर रुकेगा नहीं। A few moments later. So, गाड़ी जो है लगा दी है और अब यहाँ से अपनी पदयात्रा चालू हो चुकी है। सो चलते हैं, 5-10 मिनट लगेगा पहुँचने में। भाई फुल ऑन ट्रैफिक चल रहा है इधर संतनगर में, तो हमेशा ही ट्रैफिक रहता है मेन मार्केट के सामने। Two hours later. तो भाई अभी जो है हालत खराब हो गई है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गया और भाई ज़्यादा सभी लाइट लगा रहे हैं। सो गाइस अभी हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक शूज जो कि भाई के लिए आया है, भाई के पास एक ऐड आया है शूज़ का, कैंपस का, तो कंपनी वालों ने जो है शूज़ को भेजा है, अब इसको हम जा रहे हैं अनबॉक्स करने। जल्दी जल्दी फाड़ो भाई। तो भाई ये रहे तीन जूते आए हैं भाई के पास और तीनों को हम अनबॉक्स करके दिखाते हैं एक एक करके। और ये रहा पहला, तो ये रहा एक वाइट कलर एक्टिव सेल और सेकंड है ये। सो ये भी काफ़ी प्यारा शूज़ है, ये भी एक्टिव सेल का ही है। सो ये कोई नया लाइक शूज़ का मॉडल है जो अभी लॉन्च होने वाला है। और ये रहा एक और, इसका भी कलर बहुत प्यारा है। सो तीन जूते आ गए भाई फ्री में, बहुत ही सही है। सो गाइस बताना कौन सा जूता सबसे अच्छा लग रहा है और आपको इसका ऐड भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जब हो जाएगा तो देखने को मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे हमारे। तेरे नाइकी में से तेरा पैर झांक रहा है। सो गाइज मैं पहुंच चुका हूं घर और आज का जो व्लॉग है, टी शर्ट देख सकते हो आप, टी शर्ट में नमक आ चुका है। सो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है और मैं आपको मिलूंगा अगले व्लॉग में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है और मैं मिलता हूँ आपसे कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।